करते हैं अपने अपने काम के लिए। कोई राजनीति में आ गया और राजनीतिक ओहदा प्राप्त कर लिया तो उसका परिवार का बाकी सदस्य, सगा संबंधी, निकटवर्ती लोग क्या भूखे मरेंगे? तो जो स्वयं नीचे से ऊपर तक, सर से पांव तक केवल भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हो और वो भ्रष्टाचार पर अगर भाषण कर रहा हो, भ्रष्टाचार पर अगर बोल रहा हो या दूसरे पर आरोप लगा रहा हो, तो कोई बात सुनने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बयार, मैं आपके साथ आपका दोस्त रत्नेश पांडे। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद पर नेता तेजस्वी यादव ने बीते दिनों नलजल योजना को लेकर के बड़ा खुलासा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम अपने ही रिश्तेदारों को ठेका दिलाते हैं और अपने रिश्तेदारों को लेकर के उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, जिस कंपनी के थ्रू नल जल की योजना का जितना सारा ठेका है सब उनके तरफ में जाता है। इस बाबत जब हमने भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी से बातचीत की तो क्या कुछ जवाब दिया है तेजस्वी यादव को, आइए पहले वो सुना देते हैं हम आपको। देखिए, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे, कोई अगर सगा संबंधी या परिवार का कोई सदस्य अगर जीविका उपार्जन के लिए अगर व्यापार करता है, रोजगार करता है, नौकरी करता है या ठेकेदारी करता है, इसमें डिप्टी सीएम का कौन सा दोष है? कोई उन्होंने पद के प्रभाव से दिलवाने का काम किया है? अगर उस क्राइटेरिया का पालन करता है और वो लिया है तो निश्चित तौर पर जो है हर कोई को अधिकार है काम करने का, सब लोग करते हैं अपने अपने काम के लिए। कोई राजनीति में आ गया और राजनीतिक ओहदा प्राप्त कर लिया तो उसका परिवार का बाकी सदस्य, सगा संबंधी, निकटवर्ती लोग क्या भूखे मरेंगे या केवल उन्हीं पर आश्रित हो जाएंगे? अपने जीवन यापन के लिए तो कुछ तो काम करेंगे। हाँ, राजनीतिक प्रभाव या पद के प्रभाव का दुरुपयोग अगर किया गया हो तब हम भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार की नीति है और उससे न समझौता किए हैं न आगे करेंगे। अगर कोई ऐसा प्रमाण मिलेगा जिसमें भ्रष्टाचार में संलिप्तता होगी तब बात जो है से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सबूत दे, तो केवल बोलने से मीडिया में होगा? उनके समक्ष तो सबूत सुशील मोदी ने निकाल के रख दिया था जब उनके ऊपर आरोप लगा था अवैध संपत्ति अर्जित करने का, और वह तो उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सफाई दीजिए, स्पष्टीकरण कीजिए, लेकिन उन्होंने इससे करने से इनकार कर दिया। अंतोगत्वा मुख्यमंत्री को ही इस्तीफा देना पड़ा था। तो जो स्वयं नीचे से ऊपर तक, सर से पांव तक केवल भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हो और वो भ्रष्टाचार पर अगर भाषण कर रहा हो, भ्रष्टाचार पर अगर बोल रहा हो या दूसरे पर आरोप लगा रहा हो, तो कोई बात सुनने वाला नहीं है। पहले अपने आप को देखें, अपने तरफ झांक कर करके देखें, उसके बाद किसी के ऊपर बोलें। नेता प्रतिपक्ष को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? नेता प्रतिपक्ष को मैं कहना चाहता हूं कि आप केवल पाले, जो उस समय आप पर सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया था, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आपके ऊपर जांच कर रहा है, उस समय आपके उप मुख्यमंत्री रहते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्टीकरण मांगा था, आप आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिए हैं। आप बताइए, जो संपत्ति कहाँ से लाए और कैसे लाए, कहाँ से कमाई किए? पहले आप जो है से अपने भ्रष्टाचार के मामले को उजागर कीजिए। तो सुना आपने प्रेम रंजन पटेल, भाजपा के प्रवक्ता तेजस्वी यादव को किस प्रकार से जवाब दिया है कि क्या कोई नेता अपने रिश्तेदारों को ठेका नहीं दिला सकता है। लगातार अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।